के घातक वार से पस्त हो रहा यूक्रेन रूसी सेना के तीखे तेवरों के चलते लगातार अपने कब्जे वाले इलाकों से पीछे हटता जा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की बेबसी भी अब जगजाहिर है। हार की हताशा अब उनके बयानों में भी साफ देखने को मिल रही है। अब तक पश्चिमी देशों के हथियारों के दम पर रूस के नाक में दम करने वाला यूक्रेन अब जंगी मैदान में काफी कमजोर होता जा रहा है। रूस के खिलाफ युद्ध में लगातार पिछड़ते यूक्रेन को फ्रांस ने सहारा देने की पहल की है। यूक्रेनी सरजमी पर फ्रांसीसी सैनिकों के कदम रखने और रूस के बॉर्डर पर नेटो देशों की चल रही सबसे बड़ी ड्रिल के बाद अब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले ने पश्चिमी मुल्कों की बेचैनी बढ़ा दी है। यूक्रेन के साथ जंग के बीच पुतिन ने परमाणु हथियारों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। रूस ने अपने परमाणु हथियारों के अभ्यास का ऐलान कर अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों को हैरान और परेशान कर दिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस का परमाणु हथियार अभ्यास कुछ पश्चिमी अधिकारियों के भड़काऊ और जोशीले बयानों और धमकियों के जवाब में है। हालांकि मंत्रालय ने अपने बयान में उन विदेशी अधिकारियों का नाम नहीं बताया जिन्होंने रूस को धमकी दी है। अहम बात यह भी है कि ये पहली बार है जब रूस ने खुले तौर से परमाणु हथियारों से जुड़े अभ्यास का ऐलान किया है। हालांकि उसके रणनीतिक परमाणु बल नियमित रूप से अभ्यास करते रहते हैं। बता दें कि बड़े पैमाने पर हथियारों की तुलना में सामरिक परमाणु हथियार बेहद विनाशकारी साबित होते रहे हैं। ये पूरे शहर को तबाह करने के इरादे से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस होते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय की माने तो दक्षिणी सैन्य जिले में मिसाइल कॉलम और रूसी नौसेना भी इस ड्रिल में हिस्सा लेगी। माना जा रहा है कि रूस की ये घोषणा यूक्रेन के पश्चिमी सहयोगियों के लिए एक चेतावनी साबित हो सकती है। दरअसल पिछले कुछ समय से पश्चिमी देशों की ओर से रूस के खिलाफ बयान सामने आ रहे थे। इसमें फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों भी शामिल हैं, जो काफी समय से नेटो देशों पर यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का दबाव बना रहे हैं। वहीं ब्रिटेन के विदेश सचिव डेविड कैमरन ने हाल ही में कहा था कि जल्द यूक्रेनी सेनाएं रूस के अंदर टारगेट पर सटीक हमला करने के लिए ब्रिटेन की लंबी दूरी के हथियारों का इस्तेमाल करने में सक्षम होंगी। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि रूस को लेकर पश्चिमी देशों के उगले जहर का ही नतीजा है कि पुतिन ने अपने परमाणु हथियारों की रिहर्सल करने का मूड बनाया है। बताते चले कि रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियारों का जखीरा है। इस मामले में अमेरिका दूसरे पायदान पर काबिज है। रूस का कहना है कि अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगी देश साल 2022 से रूसी सेनाओं के खिलाफ यूक्रेन को अरबों डॉलर के हथियारों के साथ समर्थन देकर दुनिया को परमाणु शक्तियों के बीच टकराव के कगार पर धकेल रहे हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से ही रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बार बार परमाणु खतरों की चेतावनी दी है। बावजूद इसके अमेरिका समेत यूरोपीय देश यूक्रेन को हर संभव मदद को उतारू हैं।